और मेरे प्यारे भाई लोग, क्या हाल चाल है गाइस। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, फुल मस्ती करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी भाई लोग को। कमेंट करके बताना आप सभी लोग कैसे हो। एंड उसी के साथ हमारे गेम के अंदर बुया पास आ चुका है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड अपने पास पूरे 5000 प्लस डायमंड्स है। तो यस, आप सभी को सारी की सारी चीजें अनलॉक करके दिखाने वाला हूँ, यानी मेल फीमेल के बंडल्स वगैरह ले करके दिखाने वाला हूँ कि हाँ भाई कैसे क्या कुछ सीन है। एंड कौन सी बुया पास हमें लेनी चाहिए, 499 वाली या फिर 999 वाली, उन सारी चीजों को आप सभी को बताने वाला हूं। सो यस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड यस गाइस, ये इस साल का पहला दिन है, तो पहले दिन लाइक नहीं करोगे कर देना गाइस, ओके। एंड साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो याद से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो भाई लोग, फटाफट से लेते हैं बुया पास को एंड सारी की सारी चीजें आप सभी को बताते हैं। वैसे तो इसके अंदर 151 लेवल्स तक है, लेकिन इससे भी ज्यादा कर सकते हो, सारी चीजें बताऊंगा आप सभी को। एंड उससे पहले हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, एंड अपग्रेड करने के लिए चलो फिर अपग्रेड करते हैं यार, क्या ही देरी करना। सो फटाफट से अपग्रेड वाले सेक्शन में चलते हैं। एंड उसके बाद यहां पर देख पा रहे हो काफी शानदार शानदार चीजें, बट हाँ, इन सभी चीजों को लेने के लिए अपग्रेड करना पड़ेगा। तो देखो गाइस, अभी मैं आप सभी को समझा देता हूँ। जो 499 डायमंड्स के, उसके अंदर आपको मेल फीमेल के बंडल्स एंड कुछ बहुत रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एंड इसे आप लोग 120 लेवल्स तक ग्रो अप कर सकते हो, जिसमें आपको कम डब्बे मिलेंगे, यानी अल्ट्रा रेयर ड्रॉप्स जिसे आप कहते हो, वो आपको कम मिलेंगे। यानी कम लेवल तक आप ग्रो अप करोगे तो कम ही मिलेंगे ना। एंड उसके बाद जो 999 का है, यानी 999 का, उसके अंदर आपको इंस्टेंट 50 लेवल तक मिल जाएंगे। यानी जैसे ही अपग्रेड करोगे तो फीमेल वाली बंडल ऐसे मिल जाएंगे 50 लेवल तक। एंड उसके बाद इसे आप लोग ग्रो अप कर सकते हो 170 लेवल तक, ओके। एंड इसमें आपको बहुत सारे बॉक्सेस भी मिलेंगे, मतलब अल्ट्रा रेयर ड्रॉप के बॉक्सेस, ओके, जिसे आप लोग अल्ट्रा रेयर ड्रॉप बॉक्सेस के नाम से जानते हो, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे भाई, मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है, आई होप समझ गए होंगे। एंड फाइनली मैंने यहां पर ले लिया है, बाकी यहां पर 50 लेवल तक अपनी अनलॉक हो चुकी है, यानी हमें फीमेल वाली बंडल्स इजिली मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 13 लेवल मेरा पहले से था, इसलिए 63 लेवल हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर ये है वो सारे के सारे रिवॉर्ड्स जो कि हमें प्रीमियम पर मिलने वाले, यानी अगर आप लोग प्रीमियम प्लस करते हो तो ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स आप सभी को मिलेंगे। एंड इसमें से एक बंडल तो मुझे पहले से मिल चुका है, जो कि आप सभी को पता होगा, मेल बॉक्स में आया था, वो सभी को पता होगा। तो चलो यार, फटाफट से इन सभी चीज़ों को क्लेम करते हैं। बाकी आइटम्स तो बहुत सारी है, मतलब भर भर के आइटम्स है। एंड देखो, अभी आप लोग सोच रहे होंगे ना कि भाई हमें कौन सी लेनी चाहिए, यानी कि 499 वाली लेनी चाहिए या फिर 999 वाली लेनी चाहिए। तो देखो गाइस, आपको क्या करना है, अगर आपको मेल फीमेल के ही बंडल्स चाहिए एंड कुछ बहुत रिवॉर्ड्स चाहिए नॉर्मल में, तो आप 499 का ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अगर आपको मतलब अल्ट्रा रेयर ड्रॉप के बॉक्सेस खोलने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोग 999 डायमंड्स के ले सकते हो। दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से समझा दिया है, आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत सारी रिवॉर्ड्स मिली है, जो कि मैंने अभी अभी अपग्रेड किया उसके चलते मिले हैं। एंड सेम अगर आप लोग भी अपग्रेड करते हो, देन आपको भी सेम इसी तरीके से रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। एंड बाकी यहाँ पर अवतार बैनर वगैरह भी दिए जा रहे हैं, एंड फ्रेगमेंट्स वगैरह, जो भी नॉर्मल चीज़ें जो कि आप लोग देख पा रहे हो, मतलब 1 से 50 लेवल के बीच में जितनी भी रिवॉर्ड्स है वो आपको 999 डायमंड्स में, यानी 999 डायमंड्स में अपग्रेड करते ही मिल जाएंगे, ओके। उसके लिए आपको जो लेवल्स वगैरह है वो कंप्लीट नहीं करने पड़ेंगे अगर आप लोग 999 की अपग्रेड करते हो। बाकी यहाँ पर 6 क्रेडिट्स दिए गए हैं, जो कि ईवो गन स्किन्स की है, एंड इसे मैं बैक नहीं कर सकता, तो यार कोई भी ले लेते हैं, बाद में हम इसे एक्सचेंज कर लेंगे, अगर वो काम का हुआ तो उसका यूज करेंगे, अदरवाइज उसे एक्सचेंज कर लेंगे। बाकी यहाँ पर आपको परमानेंट पेट भी दिया जा रहा है, यानी एक क्रेट आपको मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सारे पेट्स रहेंगे एंड उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है जो कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड मुझे इसमें से कोई एक पेट ले लेते हैं, बाकी जो मैं पेट यूज करता हूँ वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो यार यहाँ पर मैं मुनी को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसे कर लेते हैं यार क्लेम, ओके। एंड अभी अपना लेवल हो चुका है 73, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड अभी मुझे लेना है वो वाला बंडल जो कि 100 लेवल पर है, तो अभी कुछ मुझे बैचेस, यानी यार बैचेस बैचेस मेरे को बार बार याद आ रहे हैं, मतलब कि मैं
EXP कुछ परचेज करना पड़ेगा। एंड देखो गाइस, एक लेवल अगर खरीदना चाहते हो तो उसके लिए 20 डायमंड्स लगने वाले, मतलब इसी के हिसाब से आप ले सकते हो। बाकी मैं थोड़ा बहुत पहले तो परचेज करके आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो 9 लेवल्स मैंने मतलब परचेज करे तो 180 डायमंड्स के हुए। एंड इसी तरीके से मैं कर सकता हूँ, तो अभी हमारे हो चुके 82 लेवल्स जो कि आप लोग देख पा रहे हो। तो अभी मुझे बंडल्स के लिए और भी चाहिए 18 लेवल्स, तो मैं फटाफट से इसे 18 लेवल्स कर देता हूँ। एंड फाइनली यहाँ पर हमारा 100 लेवल कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ में बुया का मेल वाला बंडल हमें मिल चुका है जो कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड अभी भी कुछ ट्विस्ट है गाइस, अभी भी कुछ चीजें और दिखानी बाकी है। बाकी यहाँ पर एक ड्रॉप वाली क्रेट मिली है, इसमें दो टाइप के क्रेट्स है। ओके, एक तो क्रेट्स ऐसी है जिसमें कि हमें कुछ टोकन्स मिले जा रहे हैं एंड साथ ही साथ कुछ बुया के अलग अलग स्किन्स है। ओके, ट्रेलर कॉस्ट्यूम है आप सभी को पता है, तो उसके अलग अलग स्किन्स है। एंड दूसरी एक अल्ट्रा रेयर वाली है जिसमें कि सीजन 8 वगैरह के बंडल्स आई थिंक है, मेरे को वो नहीं कंफर्म पता, बाकी जिन्होंने खोले होंगे उन्हें पता होगा, मैं तो उतना तक पहुंचा नहीं। बट हाँ, मैंने आप सभी को 100 लेवल्स तक के दिखा दिया। एंड अभी भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको देखनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यार देखनी ही देखनी है। ओके, बाकी यहाँ पर 150 लेवल्स जब हो जाएंगे तो मुझे ये सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। एंड इन सब चीजों के लिए मैं नॉर्मल सा मिशन करके इजिली कंप्लीट कर लूंगा, जो कि इन गेम मिशन हमें मिलने वाली है, मतलब जिसमें कि आपको किल वगैरह करने पड़ेंगी या फिर रनिंग चैलेंज वगैरह होने वाली है। उन सारे चैलेंजेस को कंप्लीट करके ये मैं इजिली कर पाऊंगा। एंड आप लोग भी कर सकते हो, मैं भी वहां पे करके ले लेता बंडल, बट आप सभी को दिखाना था इसलिए मैंने उसे परचेज करके आप सभी को दिखाया। बाकी यहां पर जब आप लोग कस्टमाइज करोगे तो देखो गाइस, ये वाला बंडल मुझे पहले से मिल चुका था, आप सभी को पता है मैं पहले से इसे यूज करता था। एंड देखो गाइस, बाकी इसे मैं इक्विप अभी भी कर सकता हूं जो कि मेरे पास पहले से है। एंड देखो, ये वाले स्किन्स के लिए मुझे टोकन्स की जरूरत पड़ेगी एंड ये बुया के टोकन्स मुझे क्रेट्स खोल करके जमा करने पड़ेंगे। एंड जब मैं जमा कर लूंगा उसके बाद कुछ इफेक्ट्स एंड साथ ही साथ ये वाले स्किन्स को मैं परचेज कर सकता हूँ। ओके, सो ये वाला सीन है एंड इसके लिए हमें कुछ बहुत क्रेट्स की जरूरत पड़ेगी। बाकी मैं आप सभी को क्रेट परचेज करके भी दिखा देता हूँ। देखो, अगर आप लोग क्रेट परचेज करते हो तो एक क्रेट 40 डायमंड्स की पड़ने वाली है एंड उसके अंदर आपको वो वाले स्किन्स भी देखने को मिल सकते हैं एंड कुछ ऐसा एनिमेशन हमें देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से हमें 5 टोकन्स मिले हैं जिसका अभी कोई यूज नहीं है एंड अभी के लिए बस देख पा रहे हो। आप सभी को आई होप सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, लिटरली सारी की सारी चीज़ें कि आखिरकार क्या कुछ करना चाहिए, कौन सी अपग्रेड करनी चाहिए। एंड फाइनली मेरे जो भुया पास के हैं वो 100 लेवल कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई होप एक एवरीथिंग आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। बाकी आज का क्या प्लान है हमें कमेंट करके जरूर बताना है। एंड आप लोग में से कितने बंदे क्या क्या कर रहे हो, कौन से बंदे कौन सी भुया पास की कौन प्रीमियम एंड प्रीमियम प्लस में से कौन सी अपग्रेड करने वाले, कॉमेंट करके जरूर से बताना। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड हाँ, लास्ट में बोल रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब कर लेना सारे बंदे, आप लोग करते नहीं हो यार, सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो चलो फिर मिलते।